जान लें भोजन करने के नियमों के बारे में। स्वस्थ रहने के लिए भोजन जरूरी है, लेकिन इसके भी कुछ नियम होते हैं। अगर संतुलित भोजन खुश होकर किया जाए तो शरीर को ज्यादा लाभ होता है। ध्यान रहे ये बातें। स्वच्छता भोजन का पहला नियम है, इसलिए खाना खाने से पहले हाथ पैर और मुंह अच्छी तरह से धो लेने चाहिए। जिस स्थान पर भोजन करने के लिए बैठें, वह साफ होना चाहिए। भोजन हमेशा खुशनुमा माहौल में करें और खाते समय बातचीत न करें। चबा चबा कर खाएं। भोजन करते समय प्रत्येक कोर को कम से कम 30 से 40 बार चबाएं। जब हम खाना ठीक से चबाते नहीं हैं तो दांतों का काम आंतों को करना पड़ता है और वे कमजोर हो जाती हैं, इसलिए भोजन चबाकर ही खाएं। भूख से थोड़ा कम खाएं और एक निश्चित समय पर खाना खा लें। खाने के बाद फौरन पानी न पिएं, क्योंकि इस दौरान पेट में ऐसे रस बनते हैं जो खाने को पचाने का काम करते हैं। लेकिन जब हम पानी पी लेते हैं तो वे खाने के साथ घुल जाते हैं और भोजन ठीक से पच नहीं पाता। लगातार ऐसा करते रहने से कब्ज और अपच की समस्या रहने लगती है, इसलिए खाने के कम आधा घंटा बाद ही पानी पीना चाहिए। रेशे वाला आहार लें। आदर्श भोजन वही है जिसमें सभी पोषक तत्वों का समावेश हो। भोजन में सलाद, अंकुरित अनाज और हरी सब्जियों को जरूर शामिल करें। ये फाइबर फूड शरीर में पाचन क्रिया को दुरुस्त बनाए रखते हैं। तले भुने आभासी और मैदा युक्त चीजों से परहेज करें। भोजन के साथ या बाद में फौरन चाय और कॉफी न लें, क्योंकि ये हमारी पाचन प्रक्रिया में बाधा पहुँचाती है। डाइट में फलों को भी शामिल करें। रस निकालने की प्रक्रिया के दौरान फलों में मौजूद फाइबर निकल जाता है, इसलिए इनका रस पीने की बजाय उन्हें चबाकर खाएं। दिन में खाएं दालें। दालों का समूह गैस्ट्रिक होता है, इसलिए रात के समय इन्हें खाने से इनके पोषक तत्व शरीर में ठीक से एब्जॉर्ब नहीं हो पाते। अगर आप शाम को जल्दी खाना खा लेते हैं तो डिनर में दाल ले सकते हैं, वरना इन्हें दिन के समय ही खाएं। दाल में अमीनो एसिड नहीं होता है, इसलिए सिर्फ दाल न खाकर दाल चावल या खिचड़ी के रूप में खाएं। खाना बनाने से पहले सब्जियों और दालों को अच्छी तरह से धोना चाहिए। शेष बचे हुए खाने को ढककर ही फ्रिज में रखें। ज्यादा देर तक भोजन को पकाएं नहीं, इससे उसमें मौजूद पोषक तत्वों की मात्रा कम हो जाती है।